और प्लस 500 बेड वाले हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस मांगा है, जो कि कहीं भी नहीं है पूरा ऑल ओवर झारखंड में प्राइवेट हॉस्पिटल में। हम लोग का काम करने का प्रोसेस, हम लोग आंदोलन का ही उपज रहे हैं, तो आंदोलन के माध्यम से हम लोग जो प्रोसेस रहता है, पहले आवेदन निवेदन, उसके बाद फिर आंदोलन के माध्यम से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अब यह ऐतिहासिक फैसले ले रहे हैं, इसी उम्मीद को लेकर पारा मेडिकल स्टाफ एसोसिएशन का एक गुट मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास पहुंचे। इनका कहना यही था कि झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा पारा मेडिकल स्टाफ की तृतीय वर्ग की बहाली सिर्फ रिम्स के लिए निकाली गई है, इसमें काफी त्रुटियां हैं और आगे क्या कहा आप भी सुनिए। झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा पारा मेडिकल स्टाफ की तृतीय वर्ग की बहाली निकाली गई है सिर्फ रिम्स के लिए, जिसमें से नियमावली में काफ़ी त्रुटियाँ हैं, त्रुटियों को संशोधन के लिए और कुछ ब्रांच जो छूट गए हैं ऐसे ब्रांचों की उसी विज्ञापन संख्या में जोड़कर नियुक्ति निकालने के लिए हम लोग माननीय मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपने का आए हुए हैं। ज्ञापन सौंपे, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोग नहीं मिल पाए, उनके जो आला अधिकारी हैं उनसे पॉइंट टू दी पॉइंट बात हुआ कि क्या मिस्टेक है। जैसे ईसीजी टेक्नीशियन में उसका योग्यता माने पोस्ट है और उसको कार्डियो मांगा गया, इको कार्डियोग्राफी मांगा गया है, तो उसको हटा के ईसीजी का संशोधन किया जाए, ईसीजी टेक्नीशियन का संशोधन करने का हम लोग मांग करते हैं। साथ ही एक सबसे बड़ा चीज़ है कि एक्सपीरियंस है कि हम लोग झारखंड राज्य पैरामेडिकल परिषद रिम्स 2010 ये बोर्ड का गठन हुआ है और झारखंड सरकार 2006 से कोर्स करा रही है, तो 2006 से हम लोग सभी पास आउट हैं, जितने भी पास आउट हैं सब इधर उधर प्राइवेट हॉस्पिटल या कहीं भी जहां तहां आप लोग काम करते हैं, जो ऐसा हॉस्पिटल नहीं है कि 500 बेड का है गवर्नमेंट कॉलेज के अलावा। तो सरकार से मेरा मांग होगा कि एक्सपीरियंस के जो बाध्यता है 500 बेड की जो बाध्यता को समाप्त किया जाए, और पूर्व में बहाली निकाली गई है जेएसएससी के माध्यम से नर्सिंग के लिए, उसमें 50 बेड का अस्पतालों का मान्यता एक्सपीरियंस मांगा गया था अनुभव, उसी के तर्ज पर इसको संशोधन करते हुए ये 50 बेड या 500 बेड की बाध्यता को ही समाप्त कर दिया जाए। एसएससी एग्ज़ाम ले रहे तो जिसमें कैंडिडेट में क्वालिटी होगी वो अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे, उसके बाद जिसका चयन होगा वो नौकरी करेंगे। कम से कम इसमें अगर इसको समाप्त करते हैं तो सबको एटलीस्ट फॉर्म भरने का मौका मिलेगा, अगर फॉर्म ही नहीं भर पाएंगे तो सिलेक्शन उसका कैसे होगा, और गवर्नमेंट कॉलेज से पास आउट कैंडिडेट आज फॉर्म भरने के लिए मजबूर हो जा रहे हैं, फॉर्म नहीं भर पाएंगे, अगर संशोधन करेंगे तभी वो फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल होंगे। दूसरी बात यह है कि एक ड्रेसर और ओटी टेक्नीशियन, ड्रेसर होता है सर्टिफिकेट के लिए सर्टिफिकेट कोर्स और 1.5 साल का होता है, और ओटी टेक्नीशियन होता है डिप्लोमा कोर्स, जबकि उसका ग्रेड पे में भी डिफरेंस आ रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप ड्रेसर का सेपरेट कोर्स है, सबसे ज़्यादा पोस्ट रहता है ड्रेसर का और वो सेपरेट कोर्स है, और सेपरेट कोर्स को आप हचपच करके मतलब सुरक्षित ना करके मेडिकल टेक्नीशियन पर निकालते हैं और उसमें ड्रेसर और ओटी टेक्नीशियन का योग्यता मांगते हैं, इसमें कहीं ना कहीं दोनों पोस्ट को ग्रेड पे में भी और उसका पोस्ट में भी आज छलने का काम किया जा रहा है। ऐसे जो एकदम मेजर जो प्रॉब्लम इसको बोलते हैं, सबको जानता है कि ड्रेसर अलग होता है ओटी टेक्नीशियन अलग होता है, इसलिए उसको सुरक्षित करेंगे तभी ड्रेसर के लिए और डिप्लोमा के लिए सुरक्षित पद को बहाली कर सकेंगे, और आने वाला दिन में उसका स्पिरिट पद भी होगा उसका, इसमें संशोधन करना बहुत ही आवश्यक है। और वैसे ब्रांच जो छूट गए हैं जैसे नेत्र सहायक ऑप्थाल्मिक असिस्टेंट, एनेस्थीसिया टेक्नीशियन और डायलिसिस टेक्नीशियन, ये छूट गया है, इस सबको उसी में जोड़ने के लिए हम लोग आग्रह करने के लिए इस आवेदन के माध्यम से दिए। और नेक्स्ट कार्यक्रम है इससे संबंधित, बहाली से संबंधित जितने भी पदाधिकारी हैं, मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, प्रधान सचिव, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, जेएसएससी और रिम्स निदेशक को भी हम लोग ज्ञापन सौंपने का काम करेंगे। हम लोग का काम करने का प्रोसेस, हम लोग आंदोलन का ही उपज रहे हैं, तो आंदोलन के माध्यम से हम लोग जो प्रोसेस रहता है, पहले आवेदन निवेदन, उसके बाद फिर आंदोलन के माध्यम से सरकार को अवगत करने के काम करते हैं। अगर मेडिकली टेक्निकली बात को यदि सरकार नहीं समझती है तो इसमें सिर्फ कैंडिडेट ही नहीं चले जाएंगे, आने वाले दिन में आम पब्लिक भी इस पर सवाल करेगी, कितने सारे डॉक्टर्स पर भी सवाल होगा कि आप लोग जानते हैं कि इस तरह का कोर्स इस तरह का होता है, इसमें आप इस तरह का त्रुटियाँ जानबूझ के करते हैं, कहीं ना कहीं सरकार को और ये झारखंड को गुमराह करने का काम करते हैं, ऐसी नियमावली बनाते हैं ताकि आने वाले दिन में सबको कटघरे में खड़ा होने के लिए मजबूर हो जाएंगे। अभी काफ़ी ही झारखंड हित में काम कर रही है, इसके पूर्व सरकार में भी हम लोग ने बहुत सारे आवेदन दिए हैं लेकिन किसी सरकार में पहल नहीं किया गया था, आज सरकार को हम लोग पॉजिटिव
मानते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद भी देते हैं कि आज 2006 से अभी तक हम लोग आवेदन पर कार्रवाई नहीं के बराबर होता है। और माननीय मुख्यमंत्री जी, पूर्व की सरकार में जो पूर्व रघुवर सरकार थे, उसके पहले चंद्रवंशी मंत्री थे, उससे पहले और भी कई मंत्री रहे हैं, लेकिन किसी ने भी पैरामेडिकल के प्रति, बहाली के प्रति और इसके जो बुनियादी समस्या को लेकर गंभीर नहीं थे। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री आज झारखंड SSC कर्मचारी चयन आयोग जो हैं, उनके माध्यम से रिम्स में आज बहाली निकालने का शुरुआत की है। ये बहुत अच्छी पहल है, इसके लिए बहुत बहुत सरकार को हम धन्यवाद देते हैं कि झारखंड हित में स्वास्थ्य विभाग को सुधारने में बहुत बड़ा रोल ये पैरामेडिकल का रहता है, उसको उचित प्लेटफॉर्म देके उचित बहाली करने का ये काम कर रहे हैं। ये सरकार का, इस सरकार को शुक्रिया अदा करते हैं। और इसमें टेक्निकली इशू है, जो इसमें सिर्फ मुख्यमंत्री का नहीं, इसमें पदाधिकारियों का भी जो इशू है, त्रुटि है, उस त्रुटि को संशोधन कर जाएंगे। और पहली बार ये बहाली है, अगर इसमें संशोधन करेंगे तो आने वाले दिन के लिए, सदा के लिए झारखंड सुरक्षित हो जाएगा और ये नियमावली साफ सुथरा बन जाएंगी। इसके लिए सबको इसमें पहल करने की जरूरत है, माननीय मुख्यमंत्री ही नहीं, इसमें जितने भी संबंधित पदाधिकारी हैं सबको इसमें अमल करने की जरूरत है। क्या कि त्रुटि करते हैं, अगर मेरे ही नहीं, मेरा तो जो नुकसान होगा सो होगा, आप में भी सवाल उठेगा कि ऐसे पदाधिकारी रहते हुए भी इस तरह का त्रुटि किया गया था। धन्यवाद। नहीं, हम लोग आज पहली बार यहाँ आए हैं मुख्यमंत्री जी से मिलने, और हम लोग का मेन मुद्दा है कि जैसे अभी JSSC वैकेंसी निकाली है पैरामेडिक्स का, उसमें बहुत सारी त्रुटियां हैं। जैसे कि कोई कोर्स का, हम लोग जैसे कि हम ECG टेक्नीशियन का कोर्स किए हैं और मेरा क्वालिफिकेशन मांग दिया है डिप्लोमा इन इकोकार्डियोग्राफी, जो कि हमारे पास है नहीं, और प्लस 500 बेड वाले हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस मांगा है, जो कि कहीं भी नहीं है पूरा ऑल ओवर झारखंड में प्राइवेट हॉस्पिटल में 500 बेड का, ठीक है। और सिर्फ गवर्नमेंट में जो है, जो कैंडिडेट गवर्नमेंट में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस या कुछ भी कर रहे हैं, वो लोग एलिजिबल हो जाएंगे इसके लिए भरने के लिए, लेकिन बाकी हम लोग उसके लिए फॉर्म फिलअप ही नहीं कर पाएंगे। हम लोग का मेन मुद्दा यही है यहाँ पे अभी। और जो भी वैकेंसी नहीं आई है दूसरे ट्रेड का भी, उसका भी हम लोग चाहते हैं कि कम्बाइंड वैकेंसी आए, ताकि सबको मौका मिले जॉब करने का, सबको एक बार मौका मिले एग्ज़ाम देने का, फॉर्म भरने का। बस यही चाहते हैं, यही करेंगे, आंदोलन कर सकते हैं। सुना तो जाना चाहिए, क्योंकि सबकी सुनी जाती तो हम लोगों का भी सुना जाना चाहिए। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।